नमस्ते। हमने एक वीडियो सीरीज शुरू करी थी तंत्र के ऊपर, और उस वीडियो में हमने बात करी थी दरअसल तंत्र है क्या और किस तरह से तंत्र को गलत समझ लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे तंत्र की एक पहली विधि के ऊपर जो कि बहुत आसान है। तंत्र दरअसल हमें अलाउ करता है हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, हर एक चीज़ को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए। और तंत्र हमें बोलता है कि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी गलत नहीं है यदि हम उसका सदुपयोग कर पाएं। तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर पैदा हुए हैं जो कि हमें बताया गया है कि यह तो सही है या गलत है, और इस वजह से बहुत सारी ऐसी कंसेप्शन हम लोगों के दिमाग में बैठ गई हैं कि या तो चीज़ें गलत हैं या सही हैं। तो तंत्र बोलता है कि कुछ भी इस समाज में गलत नहीं है, कुछ भी इस ब्रह्मांड में गलत नहीं है यदि तुम उस चीज़ को सदुपयोग कर सको। जैसे कि जहर होता है एक सांप का, एक सांप काटने से आपकी मौत हो सकती है, परंतु वही सांप का जहर आज लाखों करोड़ों दवाइयों में यूज़ किया जाता है और उसका आज की डेट में बहुत बड़ा व्यापार बन गया है। और यहाँ तक कि कोबरा जो सांप हैं उनकी तो आज की डेट में तस्करी की जा रही है, उनकी जो वैल्यू है वो करोड़ों रुपए में है। तो ऐसे ही तंत्र बोलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ भी गलत नहीं है, तुम उस चीज़ को स्वीकार कर लो और वॉचफुलनेस की तरीके से तुम उस चीज़ को यूज़ करोगे तो तुम उसी जहर को अपने लिए अमृत बना सकते हो। तो तंत्र शुरुआत करता है हमारी सांस से, जो पहली विधि है विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर। शिव ने जो विधि दी है, पार्वती उनसे पूछती है कि आपकी सच्चाई क्या है, आपकी रियलिटी क्या है। तो जो शिव हैं वो अपने बारे में बताना शुरू करते हैं कि तुम मेरी सच्चाई ऐसे नहीं जान सकती, और उस सच्चाई को जानने के लिए तुम्हें इन विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं तुम्हें कुछ विधियां दे रहा हूं और तुम इसको अपने द्वारा ही जान सकती हो। मैं तुम्हें शब्दों के माध्यम से ये नहीं बता सकता कि मेरी सच्चाई क्या है और क्या इस समाज की सच्चाई है, क्या इस ब्रह्मांड की सच्चाई है, और क्या यहाँ पे भगवान का जो तत्व जिसके बारे में बोला जाता है उसकी सच्चाई है। तो भगवान शिव बोलना शुरू कर देते हैं और जो पहली विधि देते हैं वो बहुत ही आसान विधि है। इस विधि को आप कहीं पे भी कर सकते हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप क्लासरूम में हैं, या फिर आप चाहे सो रहे हैं, सोते समय भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है, श्वास के ऊपर ये विधि है। इस विधि में दरअसल करना क्या होगा आपको, इस विधि में सिर्फ दो पॉइंट्स को आपने मेजर करना है, दो पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है, बाकी सब चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। यदि आपने ध्यान दिया होगा, जो हमारी श्वास है वो जब आती है और जाती है तो दो पॉइंट, दो बिंदु आते हैं। पहला जो बिंदु आता है जब हम सांस को भीतर लेते हैं, यहां पे एक हल्का सा गैप है, एक हल्का सा पॉज है यहां पर। तो इस पॉज पे हमने ध्यान देना है, जब भी हमारी श्वास अंदर जाएगी तो ये जो पॉज आएगा यहां पर, और फिर अब जब हम सांस को छोड़ेंगे फिर यहां पर। तंत्र की जो पहली विधि है वो है कि जब भी हमारी श्वास अंदर आती है और श्वास बाहर जाती है, और उन दोनों के बीच में जो दो गैप्स आते हैं वहाँ पर हमने ध्यान को केंद्रित करना है, वहाँ पर हमने देखना है उस श्वास के गैप को। तो ये जो पूरी विधि है, पहली विधि, इतनी आसान है, कहीं पे भी आप इसको कर सकते हैं। और इस विधि के द्वारा बहुत सारे लोग उपलब्ध हुए हैं, बुद्ध ने ये विधि दी है और बहुत सारे विपसना जो टेक्निक्स हैं उनके अंदर ये विधि यूज़ की जाती है। तो इस विधि का जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है विपसना के तौर पर पड़ा है, और बहुत सारे लोग इस विधि को विपसना से जोड़ते हैं, परंतु विपसना से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये 5000 साल पहले ही शिव के द्वारा दी जा चुकी है। तो आप भी इस पहली विधि को घर पर या कहीं पर भी रहकर आप प्रयोग कर सकते हैं, और आपका जो भी प्रयोग के दौरान अनुभव रहता है उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं उनको पहली विधि से ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आने शुरू हो जाते हैं, और ये विधि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो विपसना और जो श्वास की विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, और विधियां एक दूसरे से मिलती जुलती ही हैं।
अगली वीडियो में हम दूसरी विधि के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से और विधि प्रयोग में की जा सकती है। परंतु इन विधियों को प्रयोग करने से पहले जो शिव ने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात की है कि आप इन विधियों को 3 से 5 दिन तक प्रयोग करें। पहले आप प्रयोग करेंगे, जब आप प्रयोग करेंगे तो उस प्रयोग के दौरान यदि आपको कुछ घटित होना शुरू हो जाता है तो आप अगली विधि पर नहीं जाएंगे, आप इसी विधि को कंटिन्यू करेंगे और इस विधि के माध्यम से ही आप खुद को वो उस तत्व तक जान सकते हैं जो आप मेरे और सभी के अंदर है। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट विधि के साथ मिलेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।